दोस्तों, मेरा नाम पंकज बुद्धिराजा है और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के एनएसबीएस सर्टिफिकेट कोर्स इन बीसीबीएफ ऑपरेशंस में। तो दोस्तों, अगले कुछ समय जो आप हमारे साथ गुजारेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज, कुछ नई चीजें जो कि इंडियन बैंकिंग सीन में आ रही हैं, जिनसे आपका, देश का, समाज का, सबका काफी एक भला रहेगा। कुछ नई मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। तो दोस्तों, ये है एनएसडीएल सर्टिफिकेट कोर्स। तो ये कोर्स क्या है, एनएसडीएल क्या है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर ऑपरेशंस क्या रहते हैं, तो आइए ये सारा डिस्कस करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको आपके जो है आगे जीवन में भी काम आएगा। आइए दोस्तों, आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं एनएसडीएल क्या है। एनएसडीएल बेसिकली कहाँ से आई, क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे मैंने बताया कि मेरा नाम पंकज बुद्धिराजा है। मैंने अपना कैरियर शुरू किया था सन 1987 में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में। उसके बाद मैंने कुछ साल स्टॉक मार्केट्स में काम किया। उसके बाद मैंने कुछ बैंकों में काम किया, एचडीएफसी, आईसीआईसी और इंडसइंड बैंक्स जैसे बैंक्स में। उसके बाद पिछले कुछ सालों से मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ ट्रेनिंग्स के लिए। तो मैं पीएफआरडीए, एसबीआई और एनएसडीएल के बिहाफ पर काफी ट्रेनिंग्स करता रहता हूँ, काफी बैंक्स के बिहाफ पे करता हूँ। तो पहले तो सब फेस टू फेस रहता था, बट आजकल सब ऑनलाइन हो गया है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, जब हमने ट्रेडिंग शुरू की थी स्टॉक मार्केट में, तो तब वक्त बिल्कुल अलग हुआ करता था। जो स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में ट्रेडिंग होती थी वो सब फिजिकल होती थी। फिजिकल मतलब दोस्तों, अगर मान लीजिए मैंने आपको 100 शेयर बेचने थे रिलायंस के, तो हम लोग जो थे फोन पे ही बेचा और खरीदा करते थे और उसके बाद शेयर्स ट्रेवल किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह सेटलमेंट के लिए। सेटलमेंट मतलब दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास 100 शेयर है रिलायंस के और मैंने आपको बेचे, तो आपने पैसा तो मुझे दे दिया और शेयर्स खरीद लिए। वो शेयर्स जो थे, शेयर सर्टिफिकेट होता था जो कि मेरे नाम पे होता था और एक हरे रंग की ट्रांसफर डीड लगती थी और ट्रांसफर एजेंट के पास जाती थी, वहां से वो जाती थी आपके पास आपका नाम चढ़ के, और इससे जो था शेयर ट्रांसफर होते थे। तो काफी लंबा और मुश्किल प्रोसेस था। उसमें शेयर्स कई बार रास्ते में घूम जाते थे, लॉस इन ट्रांजिट, कई बार बैड डिलीवरी होते थे, साइन मिसमैच होते थे, तो काफी सारी दिक्कत आती थी। तो इन सब से बचने के लिए जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई और कंप्यूटर्स और मोबाइल्स आए, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट की जिसका नाम रखा गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई के नाम से जानते हैं हम जिसे। तो जब एनएसई आए, तो उससे जो स्टॉक मार्केट्स की जो ट्रेडिंग में होने वाली प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई, पर शेयर्स फिर भी ट्रेवल किया करते थे। शेयर्स जो थे अभी भी सर्टिफिकेट्स का आना जाना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर एजेंट के पास और फिर सेलर से बायर के पास जाना जो था वो चालू रहा। इसकी वजह से जो दिक्कत आती थी उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, जिसका नाम रखा गया डीमेटेरियलाइजेशन। डीमेटेरियलाइजेशन दोस्तों मतलब ये था कि जो शेयर जो सर्टिफिकेट हुआ करते थे, अब शेयर सर्टिफिकेट नहीं रहे, अब जो थे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आ गई। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही शेयर्स जो थे वो स्टोर होते थे। तो जो ट्रांसफर होता था शेयर्स का वो भी ऑनलाइन होना शुरू हो गया, जिससे शेयर्स जो थे जैसे पैसे जो थे ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहे थे, इस तरह से शेयर्स भी ट्रांसफर होने शुरू हुए। ये हुआ 1996 में। 1996 में गवर्नमेंट एक डिपॉजिटरीज एक्ट लाई, जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको ये सारा कुछ करने की बेसिकली मैंडेट दिया गया, जिसका नाम रखा गया NSDL, यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरीज में से एक है। शेयर मार्केट में जितनी भी ट्रेडिंग होती है उसका जो है बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सेटलमेंट का वो एनएसडीएल के थ्रू होता है। इसके बाद एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन और बनी थी इसी तरह की डिपॉजिटरी, CDSL, पर एनएसडीएल आज भी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है डिपॉजिटरी में। दोस्तों, इसको प्रमोट किया है एनएससी ने, आईडीबीआई ने, यूटीआई ने और गवर्नमेंट के दूसरे इंस्टीट्यूशन ने। तो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, एक पावरफुल ब्रांड है, एक बड़ा रिस्पेक्टेड सब ब्रांड है।
आइए देखते हैं अब ये और क्या चीजें कर रहा है जिसकी वजह से आगे हम इसके साथ जुड़ सकते हैं। हमने आज आपका समय लिया तो उसका रीजन क्या था, आइए इसको आगे देखते हैं कि एनएसडीएल ने और क्या 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 नई नई चीजें की हैं इसके बाद। तो डिपॉजिटरी के साथ साथ ये है कि ये जो आम लोगों को जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई वो की गई थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स वो लोग बने जो कि डिपॉजिटरी के साथ जुड़े हुए हैं और जो रिटेल को सर्विसेज देते हैं। यानी कि जैसे मैंने बताया कि अगर शेयर्स खरीदने और बेचने हैं तो अब लोग जो है हम अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाते हैं और वहां से ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम सेलर टू बायर। जिसने शेयर बेचे हैं वहां से ट्रांसफर होते हैं खरीदने वाले के पास, और इसका जो है मेजर जो बैक ऑफिस में काम होता है जो हैंडल करता है वो है हमारी डिपॉजिटरी NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे शेयर बाजार के लिए। इसके बाद दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑनलाइन पैन वगैरह के लिए भी काफी काम किया है, और इसके साथ साथ जो है ये ऑर्गेनाइजेशन नई नई चीजों में और आ रही है। तो आज का सेशन जो स्पॉन्सर्ड है बाय NSDL, बेसिकली जो है ये NSDL का की तरफ से किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसका आगे और क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों इसके साथ साथ अभी हमने देखा जाना कि NSDL क्या है, तो दूसरी चीज जो है इसके साथ जो जिसकी वजह से आज ये सेशन किया जा रहा है वो है BCBF ऑपरेशंस। तो दोस्तों BCBF ऑपरेशंस का मतलब होता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस फैसिलिटेटर ऑपरेशंस। आप में से कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना होगा बट कुछ लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स और बिजनेस फैसिलिटेटर्स कौन होते हैं, क्या है, कैसे रहते हैं, आइए दोस्तों थोड़ा सा थोड़ा सा टाइम लगा के एक बार इनके बारे में जानते हैं और थोड़ा सा जानते हैं तो थोड़ा सा जानते हैं ये लोग कौन है और ये किस तरीके से काम करते हैं, क्या इनके होने की इंपॉर्टेंस है और क्या इससे आपको कुछ फायदा है। तो दोस्तों एक बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, आइए इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, बेसिकली जो था बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो भाइयों ये था कि जो पहले हमारे जो बैंक्स थे, जो जैसे पहले PSU बैंक्स थे, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जैसे वो काम करते थे। 1994 में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ गए जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक जो पहले UTI बैंक कहा जाता था, और इंडसइंड बैंक, इस तरह के बैंक्स आ गए। पर गवर्नमेंट को एक ये चिंता थी कि देश के जो ज्यादातर लोग थे उनको बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंच रही थी। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान जो था उनको बैंकिंग में की सुविधाएं जो थी, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन्स की फैसिलिटीज है, मनी ट्रांसफर्स है, ये सब चीजें नहीं मिल रही थी। इसके लिए जो था उनको वंचित रहना पड़ रहा था। तो 2005 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था HR खान कमेटी, जिन्होंने खान साहब हमारे रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे उस टाइम पे, उन्होंने रेकमेंड किया कि बाकी दुनिया के मॉडल स्टडी किए और एक रेकमेंड किया कि हमारे देश में भी एक ऐसा ही मॉडल शुरू करना चाहिए जिसका नाम रखा जाए कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल। तो ये जो मॉडल था ये कहता था कि बजाय बैंक जो है अपनी नई ब्रांचेस खोलने के, अपनी ब्रांचेस तो खोले ही सही बट इसमें यह था कि अगर गाँव गाँव में पहुंचना है, अगर शहर में हर आदमी को, हर नागरिक को ये सुविधाएं पहुंचानी है तो बेटर ये था कि ये लोग जो है कुछ नए कॉरेस्पॉन्डेंट्स बनाए, कुछ एजेंट्स बनाए। ये एजेंट्स जो है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे आम आदमी को और इसके बदले में इनको कमीशन मिलेगी। तो दोस्तों ये जो है काफी बढ़िया और एक मजेदार कॉन्सेप्ट है। 2006 से था सरकारी बैंकों ने शुरू किया, इसके बाद धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बीच में आए। तो ये लोग बनाना शुरू हुए अपने अपने एजेंट्स, यानी कि जैसे कि आप मान लीजिए स्टेट बैंक का एक एजेंट होगा, वो सेविंग अकाउंट खोल सकता है स्टेट बैंक का, करंट अकाउंट खोल सकता है, बेसिकली लोन्स की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है, कैश डिपॉजिट और विड्रॉल का काम करता है और ये सारे काम करता है। इसकी वजह से इसको कमीशन मिलती है हर चीज पे, सेविंग अकाउंट पे अलग, करंट अकाउंट पे अलग, मनी ट्रांसफर पे अलग, तो इसको हर तरीके से जो है एक कमीशन मिलती है। तो ये वैसे ही हो गया जैसे मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, कई लोग जो है म्यूचुअल फंड बेचते हैं, आप सबके अड़ोस पड़ोस में LIC एजेंट होंगे जरूर, तो बहुत सारे LIC एजेंट हैं जो कि LIC का काम करते हैं,
तो इस तरीके से जो है ये लोग काम करते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट ने प्लान किया 2006 में कि बैंक भी अपने एजेंट अपॉइंट कर पाएंगे। तो जो कुछ बड़े एजेंट्स हैं उसके जो आगे उन्होंने सबनेट्स दिए हुए हैं उन्हें हम कस्टमर सर्विस पॉइंट या कस्टमर सर्विस सेंटर बोलते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र। ये सारी चीजें हैं। प्रोबेबली आपने कभी अपने शहर में या अपने गांव में आते जाते अपनी दुकानों को ऐसा देखा होगा जरूर। तो ये लोग जो है ये बेसिकली टच पॉइंट्स हैं। ये वो लोग हैं जो कि बैंक के बिहाफ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इनको एक कमीशन मिलता है। और कमीशन दोस्तों ठीक ठाक होता है। अगर आप कुछ भी अपना काम कर रहे हैं तो अपना काम करने के साथ साथ इस काम को कर सकते हैं। तो यदि अगर आप चाहें तो बैंकों के साथ जुड़ सकते हैं उनको आगे कमीशन देने के लिए। अब दोस्तों इसे थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो 2006 में तो ये सब हुआ। 2014 में जब अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट आई मोदी जी की सरकार, तो उन्होंने एक मॉडल लाया जिसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री जन धन योजना। जन धन योजना जो काफी बड़ा और एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो ये कहता है कि देश के हर नागरिक को ये सब सुविधाएं मिलनी चाहिए जो बैंकिंग सर्विसेज हमने डिस्कस की। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स है, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इस तरह की स्कीम्स भी ये जो एजेंट्स हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स और बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैं, ये बेच सकते हैं। तो दोस्तों आज की डेट में यानी कि अगर एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है जो कि एक बैंक के साथ जुड़ा है तो फाइनली वो अपना सेविंग अकाउंट बेच सकता है, करंट अकाउंट कर सकता है, मनी ट्रांसफर कर सकता है। जो अगर बैंक इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड बेच रहा है तो बैंक के बिहाफ पे वो भी कर सकता है। इसके अलावा जो है ये अटल पेंशन योजना और इस तरह की जो स्कीम्स है ये भी बेच सकता है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि कितना अच्छा एक कॉन्सेप्ट है और कितने सारे कमीशन है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको करते करते इसको साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये है क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों से जैसे मैंने बताया कि अलग अलग बैंकों के लिए या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए गाँव गाँव में शहर शहर में जाता हूँ और जगह जगह मिलता हूँ लोगों से और ये जानता हूँ, अलग अलग तरह के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से और बिजनेस फैसिलिटेटर से मिलता हूँ, जानता हूँ कि वो लोग किस तरीके से तरक्की कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो इसको जिसको आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। अब दोस्तों इसमें जो है एक चीज जो थी हमने डिस्कस की कि ये जो है बैंक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं ये बैंकों के साथ जुड़े होते हैं। और जैसा कि मैंने अगर हमारे एरिया में अगर हम देखा जाए नॉर्थ में, सेंट्रल में, सेंट्रल इंडिया में जनरली इन लोगों को बैंक मित्र कहा जाता है, फ्रेंड्स ऑफ द बैंक। ये लोग बैंकों के दोस्त हैं। ये लोग वो हैं जो कि बैंकिंग सर्विसेज देते हैं लोगों को और बैंकों से उसके बिहाफ पे कमीशन लेते हैं। तो मेरे भाइयों बड़ा एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट, आपके इसमें आप बैंक के साथ जुड़े होंगे, आपकी कमीशन सेफ है, आपकी कमीशन टाइम से आएगी और आप जो है लोगों को इज्जत के साथ जो है एक सर्विसेज मुहैया करा पाएंगे जिसकी वजह से आप लोगों की खुशी होगी, समाज का भी भला होगा और इन बैंकों को भी आगे जाने में एक सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों जैसा मैंने बोला अगर आप जो है हमने पहले डिस्कस किया कि एनएसडीएल जो है एक डिपॉजिटरी है और साथ उसके बाद वो ऑनलाइन पैन का भी काम करते हैं। तो दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि अगर हम बैंकिंग सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो इसमें एनएसडीएल कहां से आ गया? कुछ आइडिया दोस्तों? हाँ जी दोस्तों, तो ये एक नई डेवलपमेंट है जिसके लिए आज का सेशन हम ले रहे हैं। तो आप लोगों को कुछ एक नई कुछ डेवलपमेंट से वाकिफ कराने के लिए। तो दोस्तों एनएसडीएल को 2016 में पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिल गया था। तो जैसे कुछ पेमेंट बैंक्स हैं इसी तरह से एयरटेल या पेमेंट पेटीएम टाइप के बैंक्स हैं, इसी तरह का एक एनएसडीएल को भी एक बैंक का लाइसेंस मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। हिंदुस्तान में जितने भी बैंक्स हैं वो सब कंट्रोल होते हैं थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों एनएसडीएल को भी बैंक का लाइसेंस मिल गया था पेटीएम बैंक का, पेमेंट बैंक का 2016 में। 2018 से एनएसडीएल के बैंक ने अपना काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद से वो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर और इस तरह की सर्विसेज में आ गए हैं। साथ ही साथ अब वो बाकी नई सुविधाएं जो है जैसे धीरे धीरे लॉन्च करेंगे, अभी नया बैंक है तो वो आप लोगों के साथ अगर जैसे अगर आप उन लोगों उनके साथ जुड़ते हैं तो
तो वो आप लोगों के माध्यम से चाह रहे हैं कि आगे जो है ये सर्विस स्प्रेड करें। तो जो रिटेल कस्टमर है आप उनको एनएसडीएल की सर्विस दे सकते हैं, उसके बदले में आपको एनएसडीएल की कमीशन मिलेगी। तो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप एनएसडीएल के आरएम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एनएसडीएल के आरएम भी आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, और अगर आप चाहें तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप उनके साथ जुड़ते हैं तो ये सारी सर्विस देने के लिए आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा एनएसडीएल के साथ, और आप जो है उनके बिहाफ पे ये सारी सर्विस दे पाएंगे। इसके बदले में आपको हर सर्विस के बिहाफ पे एक कमीशन मिलेगी। तो दोस्तों एनएसडीएल जैसे हमने बात किया एक प्रीमियर डिपॉजिटरी है, अब बैंक का लाइसेंस भी है, प्रमोट करने वाले बहुत बड़े बड़े प्रमोटर्स थे, बेसिकली गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, काफी इज्जत है, काफी अहमियत है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा इसको स्टडी कीजिए और अच्छा देखिए कि अगर आप लोग जो है इनके साथ किस तरीके से जुड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हाँ दोस्तों एक चीज और, जो हमने सेशन शुरू किया था हमने बात की थी कि एक ये सर्टिफिकेट कोर्स है, तो अगर आप हमारा ये एनएसडीएल का जो है सेशन अटेंड करते हैं, कुछ एक छोटा सा एक ऑनलाइन एग्जाम भी है और एक फीडबैक भी है, तो वो एग्जाम क्लियर करते हैं छोटा सा एक, तो यहाँ पर आपको एक सेशन के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट में ये लिखा रहेगा कि आपने एक सेशन अटेंड किया हमारा बीसीबीएफ ऑपरेशंस का। इसके बाद आप चाहें कल को अगर आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर बनना चाहते हैं तो जो आईआईबीएफ का एग्जाम है या वो है वो करके आप अपना एक बीसी का ऑपरेशन जो है वो उसको शुरू कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसको आगे थोड़ा सा और इसको आगे ले चलते हैं। दोस्तों बेसिकली जितना अभी तक हम समझे कि ये एनएसडीएल एक इंडिया की बड़ी डिपॉजिटरी, अब जो है वो एक पेमेंट बैंक भी है। पेमेंट बैंक दोस्तों वो बैंक होते हैं जो कि लोन्स नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, और कुछ उनमें रिस्ट्रिक्शंस होती है डिपॉजिट्स की, तो फुल फ्लेज बैंकों से थोड़ा सा कम होता है, इसको थोड़ा सा आगे और देखेंगे। तो इसमें आप क्रेडिट कार्ड या लोन्स नहीं दे पाएंगे, बट बाकी जो है सर्विस जो है वो आप सब पूरी कर पाएंगी। दिन में मैक्सिमम आप 1 लाख तक का डिपॉजिट रख सकते हैं, पर ये अगर डिपॉजिट अगर आपका ज्यादा हो जाता है, मान लीजिए आपके 10 लाख हो गया, तो 9 लाख रुपया एनएसडीएल ने दूसरे बैंक के साथ टाई अप किया हुआ है, वहां पर उन्होंने दूसरे अकाउंट में मूव कर जाता है, दूसरे अकाउंट में मूव कर जाता है, और वो वापस अगले दिन मॉर्निंग आपके अकाउंट में दिखता है, तो आप यूज कभी भी कर सकते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सिर्फ लोन से क्रेडिट कार्ड छोड़ देंगे तो मोटा मोटा जो है ये बाकी सब सर्विसेज दे सकता है। तो अगर आप चाहें तो इनके साथ जुड़ सकते हैं। तो अब क्योंकि ये बैंक बन गया है तो इसके लिए थोड़ा सा आज का जो सेशन है आपको हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, जिसमें कुछ बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों इनको आगे डिस्कस करते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं काफी सालों से ट्रेवल कर रहा हूँ जगह जगह पे, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छोटे छोटे गाँव में जाता हूँ, शहरों में जाता हूँ, तो मैंने देखा है कि लोग काफी अच्छा इस बिजनेस मॉडल से अर्न करते हैं। कुछ लोग जो है वो अपना मनी ट्रांसफर में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, कुछ लोग सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, कुछ लोग जो है जो अटल पेंशन योजना में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, बीसी और बीएफ। तो अगर आप बीसीबीएफ बनते हैं और एनएसडीएल के साथ जुड़ते हैं तो आप ये सब सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा कॉन्सेप्ट है अगर आप इसको देखिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बेसिकली एक बैंक क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसका कंट्रोल कैसे होता है, और आप एनएसडीएल के साथ जुड़ के इसको किस तरीके से अपना और समाज का भला कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बैंक की जरूरत क्या है, अगर आप सोच के देखते हैं तो क्यों गवर्नमेंट इतना पुश कर रही है, क्यों गवर्नमेंट इतना इनिशिएटिव ले रही है कि हिंदुस्तान में सब आदमियों को सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या बाकी चीजें मिले। तो बेसिकली हर आदमी की जरूरत है कि उसका कोई ना कोई एक अकाउंट हो, कोई पैसा है तो कहाँ जमा करेगा, सेविंग अकाउंट हो या अगर कोई बिजनेस करता है तो उसका एक करंट अकाउंट हो। तो इस तरह की फैसिलिटीज जो है हर एक को चाहिए। लोन्स जो है ज्यादातर लोग जो है वो बैंकों से लेते हैं। इसके अलावा बैंक जो है इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड भी बेचते हैं, वो इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड कंपनी से टाई अप कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो उसको भी बेचते हैं। तो दोस्तों हर तरीके से जो है बैंक हमारे जीवन में जरूरी है। बेसिकली लोगों में सेविंग की हैबिट्स भी बढ़ाता है, अगर लोग जो है गरीब है वो है तो उनको एक अच्छी आदत भी सिखाता है ताकि ये जुड़े। और फाइनली आप लोग जानते हैं कि जो बैंकों में पैसा इकट्ठा होता है
या कि इंडस्ट्री वगैरह को भेज दिया जाता है किसानों को इंडस्ट्री को, ताकि वो लोन वगैरह लें और खूब आगे बढ़े जिंदगी में, देश का विकास, सबका विकास। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे जो है ये बैंक की जरूरत है। तो बैंक जो है वो दोस्तों एक कानून है जो कंट्रोल होता है थ्रू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो कहता है कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे एक लाइसेंस मिला होता है डिपॉजिट्स लेने का और लोन देने का। ये जो लाइसेंस है जो है ये मिलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। इसके अलावा बैंक्स जो है काफी और सर्विसेज देते हैं। पहले जनरली सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में ही रहते थे, पर पिछले कुछ टाइम से आप लोग जानते हैं कि वो काफी सारी और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो डिपॉजिट्स दोस्तों कैसा लेते हैं, तो ये सब दोस्तों हम आज जो पढ़ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए होगी क्योंकि तो आप लोग जो है अगर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बनते हैं तो बैंकों के साथ जुड़ेंगे। तो बैंकों के बारे में जितना जानेंगे, जितना आप उसके लिए सुविधाजनक एक रखेंगे, उतना जो है आपको एक फायदा होगा, उतना ही आसानी से आप कस्टमर के साथ डील कर पाएंगे, उतनी अच्छी आप कस्टमर सर्विस दे पाएंगे और उतना ही बढ़िया आपके लिए और आपके कस्टमर्स के लिए ये रहेगा। तो दोस्तों बैंक्स जो है जब हम अकाउंट खोलते हैं तो वो जैसे सेविंग अकाउंट होता है या करंट अकाउंट होता है या टर्म और टाइम डिपॉजिट होता है, जिसे आगे हम अभी आगे पढ़ेंगे। अगर मुझे किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए भी आसान, सबसे आसान तरीका जो है मनी ट्रांसफर है। मैं बैंक के पास ही जाता हूँ। आजकल तो स्कूल की फीस है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल है, टैक्स का पैसा है, तो ये सारी चीजें भी जो है ये सारी बैंकों के थ्रू ही रहती हैं। तो बैंक जो है इन मामलों में काफी इसके लिए हेल्प करते हैं। इसके अलावा दोस्तों फॉरेन करेंसी अगर कोई है विदेश से, मान लीजिए आपका दोस्त रिश्तेदार कोई आया है, उसको फॉरेन करेंसी की जरूरत है या उसको खरीदना है बेचना है, तो बैंक उसमें भी हेल्प करते हैं। लॉकर्स है जो कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इसे लिया होगा। एटीएम मशीन है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। टेलर हम कैशियर को बोलते थे दोस्तों जब हम काम करते थे, तो जो कैशियर होता है उसकी जो मशीन है उसको ऑटोमेटिक बना दिया गया, तो वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन या एटीएम बन गई। एटीएम मशीन से आप अपना कैश डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं। आजकल तो एटीएम मशीन काफी सारी और फैसिलिटीज भी देती हैं, बट मेजर जो ज्यादातर लोग जो इनको कस्टमर यूज करते हैं वो मनी विड्रॉ के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी देते हैं बैंक। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड में पहले एक लिमिट हो जाती है, एक लोन टाइप का होता है, मान लीजिए 25,000 या 50,000 की आपकी लिमिट बना दी, या 1 लाख की या 2 लाख की, जैसे भी बैंक ने आपको आपकी ट्रांजेक्शन देखी, आपकी एक लिमिट बना दी और एक कार्ड दे दिया। इसमें आप अपना खर्चा करते हैं और फाइनली जो है इन जो जितना आपने खर्चा किया है उसको बैंक को वापस कर देते हैं। टाइम टू टाइम आपकी स्टेटमेंट आती रहती है और आप पेमेंट करते हैं जिससे आपका कार्ड चलता रहता है। पर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ब्याज ज्यादा होता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा दोस्तों एक डेबिट कार्ड होता है। पहले एटीएम कार्ड हुआ करता था, जब पहले हम लोग काम करते थे आज से कुछ साल पहले, एटीएम कार्ड होता था, तो एटीएम कार्ड जो था वो सिर्फ विड्रॉल के लिए काम आता था। अब आगे हैं ज्यादातर डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड दोस्तों शॉपिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, तो एटीएम कार्ड तो है ही उसमें, यानी मुझे अगर उसमें से कैश विड्रॉ करना है वो तो मैं कर ही सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे शॉपिंग करनी है मैं तो भी इसके लिए डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों बैंक्स ने ज्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप किया रहता है। हर बैंक का अलग अलग टाई अप होता है, तो वो अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट और इंश्योरेंस के यूनिट भी बेच सकते हैं अपने कस्टमर्स को, तो ये भी बैंकों को अलाउड है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप लोग जो है अगर एनएसडीएल के साथ जुड़ते हैं, तो एनएसडीएल जो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस के साथ टाई अप कर रहा है, तो आप जो है ये सब चीजें भी बेच पाएंगे। इसके बदले में जितना आप कस्टमर को बेचेंगे उसके बदले में भी आपको एक कमीशन मिलेगी। तो मेरे हिसाब से जो है वो मेरी एक पर्सनल राय है कि आप इसको जरूर कंसिडर करें और एनएसडीएल के साथ जुड़ना जो है आपके भविष्य के लिए इसके लिए एक अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये जो है ये आप अपना काम करते हुए साथ साथ भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक मान लीजिए खुद एक एलआईसी के एजेंट हैं, या आप किराना शॉप चला रहे हैं, या टूर एंड ट्रेवल का काम कर रहे हैं, या मेडिकल शॉप चला रहे हैं, तो ये अपना काम करते करते आप साथ साथ ये भी कर सकते हैं। और अगर आप साथ साथ ये करते हैं तो साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी, तो एक बढ़िया चीज दोस्तों।
तो दोस्तों अभी हमने देखा था फंक्शंस ऑफ द बैंक्स, डिपॉजिट है, डिपॉजिट लेते हैं, रेमिटेंस है, रेमिटेंस यानी कि मैंने बोला मनी ट्रांसफर, एक जगह से पैसे जगह दूसरी जगह ट्रांसफर करना, लोन्स है और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकों में दोस्तों आता है इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। जैसा मैंने बोला पहले जब हम लोग काम करते थे तो मोबाइल या कंप्यूटर नहीं होते थे, जब मोबाइल या कंप्यूटर आ गए तो मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग आ गई है। आजकल लोग इसको खूब यूज करते हैं, काफी सुविधा भी है, दो थोड़ा सा रिस्क भी रहता है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, पर मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर लोगों ने इसको यूज किया होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा ज्ञान वर्धन के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ और चीजें डिस्कस की जाए, तो हिंदुस्तान में जितने कमर्शियल बैंक्स हैं उनको कंट्रोल करता है आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कुछ रीजनल रूरल बैंक्स हैं जो कि एग्रीकल्चर को और जो रूरल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करते हैं, जो गाँव में और खेती को और इन सबको प्रमोट करते हैं, इनको कंट्रोल करता है नेबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इस बैंक का जो मेजर मकसद है गाँव की और खेती की तरक्की करना है। तो दोस्तों ये था बेसिकली हमारे बैंकिंग सेक्टर के बारे में, इसको आगे आगे और पढ़ते जाएंगे। तो थोड़ा सा ज्ञान इसलिए क्योंकि आप लोग जो है जब आप अपने बैंकों के साथ जुड़ेंगे तो आप लोगों के पास कस्टमर्स आएंगे, जितना आप ज्ञानी बनेंगे उतना आप कस्टमर को ज्ञान दे पाएंगे। जैसा मैंने बोला कि बैंक्स जो है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सिर्फ एक एजेंट नहीं मानते, जैसे हम बोलते हैं कि एक LIC का जो है हम उन्हें बोलते हैं कि एजेंट बोलते हैं, बैंक जो है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को बैंक मित्र बोलते हैं। वो बोलते हैं बैंक मित्र जो है वो हमारा जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको काफी अच्छी सलाहें भी देता है और उनकी जो फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल जो जागरूकता है उसको भी बढ़ाता है। तो आप जागरूक बनेंगे, आप ज्ञानी बनेंगे, देश जागरूक बनेगा, देश ज्ञानी बनेगा, आपके साथ सारे समाज का उत्थान होगा। इसीलिए आप लोगों को जो लोग बिजनेस पर्सन्स हैं उनको बैंक मित्र कहा जाता है। तो पैसा तो मिलता ही है, इसके अलावा जो है आपको लोगों की दुआएं और वो सब भी मिलेंगी, तो एक अच्छी चीज है जिसको लेके आप अपना NSDL के साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट चीज पे चलते हैं जो कि है डिपॉजिट स्कीम्स और सब्सिडीज। जब आप बैंक के साथ जुड़ेंगे तो बेसिकली बैंक में कितने तरह के खाते होते हैं दोस्तों? बैंक में जो है बेसिकली तीन तरह के हम खाते बोलते हैं या अकाउंट्स बोलते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट दोस्तों मतलब यह है कि मैं जो अपना सारा पैसा है वो डिमांड पे जब मर्जी चाहे ले सकता हूँ। ये होते हैं जैसे कॉल मनी मार्केट हो गया उसका होता है, या सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट। आप में से जो लोग बिजनेस करते होंगे वो करंट अकाउंट या चालू खाता रखते होंगे, और बाकी लोग जो है बचत खाता या सेविंग अकाउंट रखते होंगे। तो सेविंग मान लीजिए मेरा से HDFC बैंक में 10,000 रुपये पड़ा हुआ है सेविंग अकाउंट में, तो मैं जब मर्जी चाहे उस पैसे को विड्रॉ कर सकता हूँ, तो वो पैसा जो है वो हो गया डिमांड डिपॉजिट। इसी तरह से करंट अकाउंट में मैं जब चाहे पैसा निकाल सकता हूँ, वो हो गया डिमांड डिपॉजिट। तो ज्यादातर लोग आपके पास ये खुलवाने आएंगे। इसके अलावा दोस्तों दूसरे टाइप का डिपॉजिट होता है जिसे हम कहते हैं टर्म या टाइम डिपॉजिट। तो उसमें एक टाइम या टर्म आपको फिक्स करना होता है, उसके हिसाब से आप डिपॉजिट करते हैं, और उसमें आते हैं फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट, RD जिसे हम बोलते हैं या FD जिसे हम बोलते हैं आम भाषा में। तो टर्म या टाइम डिपॉजिट होते हैं FD और RD, और डिमांड डिपॉजिट मेनली जो आप लोगों को यूज करते हैं वो है सेविंग और करंट अकाउंट। तो दोस्तों थर्ड तरह के जो डिपॉजिट आजकल नए आ गए हैं पिछले कुछ सालों से टेक्नोलॉजी की आने से उनमें काफी तरक्की मिली है, वो है हाइब्रिड या फ्लेक्सी डिपॉजिट, जिसमें क्या होता है कि दोनों के फीचर्स होते हैं डिमांड और टर्म या टाइम के। तो कुछ बैंक्स जो है स्वीप इन स्वीप आउट फैसिलिटी देते हैं, जिसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए मेरा एक खाते में 1,00,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो 25,000 रुपया मान लीजिए सेविंग अकाउंट में रह गया और बाकी 75,000 है उसकी एक FD बन जाएगी। तो क्योंकि FD बन जाएगी तो उसका मुझे FD का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, पर वो लिंक जो है मेरे सेविंग अकाउंट के साथ ही रहेगी, मेरे चालू खाते के साथ, बचत खाते के साथ ही रहेगी। तो कल को मुझे जब भी जरूरत है मैं उसको निकाल सकता हूँ, जितने दिन तक मेरी FD पड़ी रही मेरे को उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो पिछले टेक्नोलॉजी जो अब आई है कंप्यूटर मोबाइल्स के आने से इन चीजों में काफी सहूलियत मिली है, क्योंकि स्वीप इन स्वीप आउट अपने आप में अगर आप सोचेंगे तो एक थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है,
अगर हाथ से करना है तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो कंप्यूटर्स के आने के बाद से इस तरह के डिपॉजिटरी बैंक काफी ऑफर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप ऑफर कर पाएंगे। तो बेसिकली लोग अगर आप एनएसडीएल के साथ जुड़ते हैं तो लोग आपके पास आएंगे सेविंग और करंट अकाउंट के लिए, और फिक्स डिपॉजिट और आरडी भी धीरे धीरे बैंक जैसे शुरू करेगा तो आप ये भी ऑफर कर पाएंगे और हर चीज पे आपको कमीशन मिलेगी। तो दोस्तों दोनों चीज है, ज्ञान भी है और एक आपको जो है इसका काम करने का एक कमीशन भी है। इसके अलावा दोस्तों बैंकों का एक बहुत जरूरी काम है रेमिटेंस या मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर या फंड ट्रांसफर, कैसे पैसा जो है वो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह। जब तक दोस्तों ये कंप्यूटर मोबाइल नहीं हुआ करते थे तब तक पैसा ट्रांसफर होता था जनरली चेक के थ्रू या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। चेक में बाउंसिंग की दिक्कत रहती थी इसलिए ज्यादातर लोग ये बोलते थे कि हमें चेक मत दो, हमें डीडी दे दो या पे ऑर्डर दे दो। तो डिमांड ड्राफ्ट जो है वो और चेक ही यूज होते थे। पर धीरे धीरे कंप्यूटर और मोबाइल आ गए और उसके बाद बहुत सारी चीजें आई जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जिन्हें हम बोलते हैं स्विफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी और ये सब है। तो इनको अभी आगे हम स्टडी करेंगे। ये बैंकों के बड़े महत्वपूर्ण काम में से एक है और अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग भी इसको कर पाएंगे और इसको करने के लिए भी आपको एक कमीशन मिलेगा। आप अपने कस्टमर को ये सब ऑफर कर पाएंगे और इसके बदले में आप जो है उनसे पैसा भी ले पाएंगे। दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट, जो जैसे मैंने बोला कि डिमांड ड्राफ्ट में क्या हुआ करता था कि पहले बैंक पैसा ले लेता था और उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट देता था, तो उसकी बाउंसिंग के कोई चीज नहीं रहती थी, तो जो बाउंसिंग की दिक्कत नहीं होती थी, तो इसलिए जो डिमांड ड्राफ्ट था वो एक सेफ इंस्ट्रूमेंट माना जाता था। वो लोग पहले यही कहते थे कि आप मुझे चेक मत दीजिए, आप मुझे डीडी दे दीजिए ताकि मेरा पैसा जो है वो सेफ रहे। दोस्तों इंटरनेशनल पैसा ट्रांसफर करने के लिए एक चीज यूज होती थी जिसे हम कहते हैं स्विफ्ट, सोसाइटी वर्ल्ड वाइड फॉर इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो ये 1973 से बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन है और ये बेसिकली फाइनेंशियल मैसेजिंग देती है। तो मैसेजिंग में मान लीजिए मेरा भाई अगर जो है वो सपोज न्यूयॉर्क में बैठा है और उसका अकाउंट बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में है और मेरा अकाउंट HDFC दिल्ली में है और उसे पैसा ट्रांसफर करना है तो स्विफ्ट कोड की जरूरत होती थी। बीच में एक कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक होता था जो कि बैंक ऑफ न्यूयॉर्क और HDFC बैंक के बीच में होता था और बेसिकली वो जो है स्विफ्ट जो है मैसेजिंग के थ्रू पैसा ट्रांसफर किया जाता था एक बैंक से दूसरे बैंक। पहले बैंक ऑफ न्यूयॉर्क से कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक, फिर कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक से HDFC बैंक जहां मेरी दिल्ली ब्रांच में क्रेडिट होता था। तो जो ये आज भी यूज होता है, दो आजकल बहुत सारी मनी ट्रांसफर स्कीम्स भी आ गई हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे आगे कंप्यूटर और मोबाइल आ गई टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने जिंदगी के हर हिस्से पे जो था अपना कब्जा कर लिया। तो इसको चलते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो नई चीजें प्रमोट की जिनका नाम उन्होंने रखा NEFT और RTGS। तो ये दोनों है काफी पॉपुलर, काफी रिस्पेक्टेड मनी ट्रांसफर स्कीम्स हैं। दोनों बहुत कामयाब हैं, आपने भी जरूर की होंगी। आई थिंक देश के ज्यादातर नागरिक जो है इनको यूज करते हैं। पहले जो चेक से ट्रांसफर होता था या डीडी से ट्रांसफर होता था, अब जो है ट्रांसफर उसमें बहुत सारा NEFT और RTGS से होता है। तो NEFT दोस्तों है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और RTGS है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो जो NEFT है दोस्तों उसमें कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती, पर ये जो है ये इकट्ठी ये एक एक ट्रांजेक्शन ट्रांसफर नहीं होती, ये बैचेज में ट्रांसफर होती है। तो बैचेस में ट्रांसफर मतलब दोस्तों मान लीजिए मैंने अपने HDFC बैंक से आपके ICICI अकाउंट में ट्रांसफर किया, ऐसे ही दूसरे किसी आदमी ट्रांसफर किया, ऐसे तीसरे आदमी ट्रांसफर किया। तो पहले एक एक घंटे का बैच हुआ करता था, हर घंटे बाद जो था जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही थी हिंदुस्तान में वो इकट्ठी होती थी और रिजर्व बैंक के सर्वर के थ्रू प्रोसेस होती थी। अब वो जो है बैच आधे आधे घंटे में बनता है, क्योंकि बैच आधे आधे घंटे में बनता है तो मोटा मोटा एक डेढ़ घंटे के अंदर जो है पैसा ट्रांसफर हो जाता है। बहुत ही कामयाब स्कीम है, बहुत जबरदस्त स्कीम है। इसके आने के बाद से जो है आप जानते हैं करोड़ों ट्रांजेक्शन पर डे होती हैं। तो इसके आने के बाद से मेरे को लगता है कि एक रेवोल्यूशन आ गया है, एक चमत्कार हो गया है। दूसरी चीज जो दोस्तों रिजर्व बैंक ने प्रमोट की थी वो था रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम मतलब इमीडिएट पैसा ट्रांसफर होता है, मेरा अकाउंट डेबिट होगा और आपका अकाउंट वहां क्रेडिट होगा इमीडिएटली। दूसरी टाइम है ग्रॉस सेटलमेंट।
ग्रॉस सेटलमेंट मतलब एक एक जो इंस्ट्रक्शन है अलग से सेटल होती है। मैंने अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया तो वो अलग प्रोसेस होगी, किसी और ने किसी और अकाउंट में किया तो वो अलग प्रोसेस होगी। तो इसीलिए जो है रियल टाइम इमीडिएट होती है और ये सारी ट्रांजेक्शन जो है रिजर्व बैंक के सर्वर को हिट करती है। तो क्योंकि इसमें एक एक ट्रांजेक्शन होती है और इसलिए इसमें काफी मेहनत और वो लगती है, तो इसीलिए सिर्फ इसे 2 लाख के ऊपर के लिए अलाउ किया गया है। जैसे एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम लिमिट, आरटीजीएस जो है वो 2 लाख के ऊपर के लिए ट्रांजेक्शन के लिए रखी जाती है। तो ये दोनों जो ट्रांजेक्शन है ये रिजर्व बैंक के सर्वर को हिट करती हैं। तो जब रिजर्व बैंक ने ही बेसिकली जब देखा कि टेक्नोलॉजी काफी बढ़ रही है और इन दोनों की वॉल्यूम काफी बढ़ गई है, तो दोस्तों रिजर्व बैंक ने एक ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट की जिसका नाम रखा एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है बेसिकली अब जो है अपना सर्वर प्रोवाइड करती है, अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है और नई नई चीजें लेके आ रही है, जैसे कि आईएमपीएस है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो कि यूपीआई के नाम से पॉपुलर है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और इस तरह की जो चीजें हैं ये बेसिकली एनपीसीआई के सर्वर पर हिट करती हैं। एनईएफटी और आरटीजीएस आज भी रिजर्व बैंक के सर्वर पे ही हिट करती हैं, रिजर्व बैंक के सर्वर के थ्रू प्रोसेस होती हैं। तो धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, आप जान रहे हैं कि ये चीजें काफी सुविधाजनक हो गई हैं। तो अगर हम हमारा वक्त याद करें आज से 30-35 साल पहले का, तो जो पैसा ट्रांसफर करना होता था बहुत मुश्किल होता था। आप कैश एक जगह से विड्रॉ करते थे और दूसरी जगह ले जाते थे क्योंकि इमीडिएट पैसा ट्रांसफर करने का कोई तरीका नहीं था। तो खैर वक्त बदला तो सारी दुनिया बदल गई। अब दोस्तों एक चीज और आ गई है जिसे जो हमने अभी डिस्कस किया था, मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग। दोनों चीजें बहुत पॉपुलर हैं, दोनों चीजें बहुत अच्छा प्रोवाइड करती हैं, दोनों बहुत ज्यादा सुविधाएं देती हैं। और मोबाइल बैंकिंग से या नेट बैंकिंग से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, आप चेकबुक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, आप अपना बैलेंस देख सकते हैं और बहुत सारे काम कर सकते हैं। पर दोस्तों उसका आजकल उसके साथ साथ क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई है तो इसके साथ साथ जो है फ्रॉड्स और रिस्क भी बहुत सारे आने शुरू हो गए हैं। तो हम लोगों का जो बीसीज और बीएफ हैं उनके साथ एक रिक्वेस्ट ये रहता है कि अगर आप चाहें तो इसके लिए आप जो है बेसिकली अगर आप चाहें तो लोगों को साथ साथ गाइड करते रहें ताकि वो इन केस में वो ना फंसे फ्रॉड वगैरह में। तो दोस्तों ये तो थी मेजर बातें बैंक और तो बैंक के तरह के अकाउंट्स के बारे में। अब दोस्तों एक चीज और आएगी, वो ये रहेगा कि बेसिकली अगर जो है तो बेसिकली ये रहेगा कि अगर लोग आप लोग अपने अकाउंट खोलते हैं तो कस्टमर्स आते हैं आपके पास अकाउंट खुलवाने के लिए, अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो वो अकाउंट ओपनिंग कैसे होगा, ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हम बोलते हैं, वो अकाउंट ओपनिंग कैसे होगा, वो केवाईसी मैकेनिज्म कैसे होगा, ये ऑपरेशंस किस तरीके से काम करेंगे, तो आइए जो है इसको आगे देखते हैं। ये सब दोस्तों इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप लोग जो हैं जुड़ते हैं बैंकों के साथ तो आप लोगों को ये सब काम करने होंगे। आप अकाउंट ओपनिंग करेंगे या केवाईसी का काम करेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में इसकी एक जानकारी होनी बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा ज्ञानी बनेंगे उतना ज्यादा फ्रॉड से बचने का एक रहेगा। आइए दोस्तों इसको स्टडी करते हैं। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो आपको, या अकाउंट ओपनिंग किस तरीके से करनी है वो आपको बैंक बताएगा कि किस तरीके का करना है। तो दोस्तों पहले क्या हुआ करता था कि उसमें सारी डिटेल भर जाएंगे कस्टमर की, तो पहले क्या हुआ करता था कि इंट्रोडक्शन से भी अकाउंट खुल जाया करता था। कभी एक जमाना था जब हम लोगों को कहते थे कि अगर किसी का आपका जान पहचान वाले का अकाउंट है तो आप ले आइए और इंट्रोडक्शन से अकाउंट खुल जाएगा। पर दोस्तों धीरे धीरे जब फ्रॉड वगैरह बढ़ने शुरू हुए और गवर्नमेंट को लगा कि जो अनवांटेड एलिमेंट्स है जैसे टेररिस्ट हैं या माफिया हैं वो लोग इस तरह के सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो रिजर्व बैंक ने एक नई पॉलिसी निकाल ली जिसका नाम रखा गया केवाईसी एंड एएमएल पॉलिसी। तो केवाईसी इज नो योर कस्टमर या नो योर क्लाइंट, तो कस्टमर्स को आप जानिए और तभी आप उनका खाता खोल सकते हैं, अदरवाइज जो है आप उनका खाता नहीं खोलेंगे। अगर आपके पास कस्टमर्स के सारी जो है ठीक से प्रूफ वगैरह है तो आप उनको करेंगे, अदरवाइज आप उनको उनके खाता नहीं खोलेंगे। दोस्तों आप किस तरह के खाते खोलेंगे, आप इंडिविजुअल्स का खाता खोलेंगे, आप कंपनीज का खाता खोलेंगे प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का, आप पार्टनरशिप फर्म्स का खाता खोलेंगे, आप ट्रस्ट का, फाउंडेशंस का, एनजीओस का,
सोसाइटीज का, क्लब के, वो सबके खाते खोलेंगे, आप प्रोप्राइटरशिप फर्म्स के भी खाते खोलेंगे। तो क्योंकि आप सबके खाते खोलेंगे इसीलिए आपको उनके बारे में काफी अच्छी नॉलेज होनी जरूरी है। अब दोस्तों अगर आप NSDL के साथ जुड़ते हैं तो NSDL जो है टाइम टू टाइम आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स की जो है ट्रेडिंग भी प्रोवाइड करेगी। तो उसमें ये रहेगा कि एक एक अकाउंट के ऊपर जो है एक एक हर एक अकाउंट की जो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंटेशन की, किस अकाउंट में क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, क्या चीज़ें एक्सेप्ट की जाती हैं, क्या चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाती, खाता कैसे खुलेगा कैसे नहीं खुलेगा, क्या क्या किस में आपको डेबिट कार्ड मिलेगा किस में नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जो है ट्रेनिंग होगी आपकी अगर आप जुड़ते हैं NSDL के साथ। तो दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है जितना मैंने देखा है, बैंकों को अपने बीसीस को काफी सपोर्ट करते हैं और NSDL तो वैसे भी एक बहुत सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका डिपॉजिट पार्टिसिपेंट्स वगैरह जो है काफी खुश हैं और काफी अच्छे से काम करते हैं। तो अगर आप लोग भी जुड़ते हैं तो आप लोगों को पूरी जो ट्रेनिंग है पूरी इंफॉर्मेशन है वो सब इसके लिए प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों धीरे धीरे जो है हम जा रहे हैं EKYC की तरफ। EKYC में जो है वो पेपरलेस वो रहेगा, एक सेंट्रलाइज KYC नंबर CKYC नंबर मिल जाएगा हर कस्टमर को, और उसके बाद जो है ये धीरे धीरे जो है आप EKYC कर सकते हैं अपने कस्टमर्स का। तो जैसे मैंने बोला जब आप जुड़ेंगे NSDL के साथ तो आपको उस सब के लिए पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो दोस्तों KYC जो है काफी जरूरी रहता है, पर हम तो KYC जब हम अकाउंट खोलते हैं तो जनरली हम देखते हैं उसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, उसका फोटोग्राफ वगैरह। पर दोस्तों वक्त बदलने के साथ ये चीजों में बदलाव भी आता है ना। मैं पहले दिल्ली में काम करता था, फिर मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं बॉम्बे गया कुछ साल रहा, फिर मैं लुधियाना में काम करता था, फिर मैं UP में काफी साल काम किया। तो जब आदमी काम करता है जगह जगह तो उसका जो है एड्रेस वगैरह भी चेंज होता है, और तो इसके लिए जो है बैंक पीरियोडिक KYC करता है, तो जिसे re-KYC भी बोला जाता है। तो कस्टमर्स को बुलाया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप अपने KYC डॉक्यूमेंट दोबारा लेके हमारे पास आ जाइए। तो 2 साल, 8 साल, 10 साल, इस तरह से डिपेंड करता है कि बैंक कस्टमर्स को कैसे देखता है, और उनको बुलाया जाता है और उनकी जो है बेसिकली खातों की जो KYC डॉक्यूमेंट की दोबारा से जाँच की जाती है। तो दोस्तों ये जो है क्योंकि आप जब खाते खोलेंगे तो आप कस्टमर्स को भी ये कॉल आएगा, क्योंकि ये रिजर्व बैंक की रिक्वायरमेंट है। तो फिर आपके कस्टमर्स आपसे पूछेंगे कि मेरे को बैंक ने दोबारा क्यों कॉल किया, मैंने KYC 2 साल पहले या 5 साल पहले या 8 साल दिया तो था। तो थोड़ा सा आपके लिए जानना जरूरी है कि ये बेसिकली RBI की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि बैंक जो है re-KYC या पीरियोडिक KYC करते रहें। तो यदि कस्टमर जो है वो नहीं जाता और बैंक को नहीं करता तो बैंक जो है पार्शल फ्रीज भी कर सकता है अकाउंट को। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपके लिए साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी मिलती रहेंगी। अब दोस्तों जैसे मैंने बोला कि जब आप अकाउंट खोलते हैं तो आप प्रोवाइड करेंगे KYC डॉक्यूमेंट, यानी कि आप कस्टमर से लेंगे उसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और उसका फोटोग्राफ। पर मेरे भाइयों इसका ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने बैंकों में काफी साल काम किया और काफी सारी प्रॉब्लम इस पे आती थी, लोग नकली झूठी फोटोग्राफ लगा देते थे और ये सब गड़बड़ करके अकाउंट्स वगैरह खुलते थे। आप लोग तो आप में से काफी लोग गांव में भी काम करेंगे, तो थोड़ा सा जो डॉक्यूमेंटेशन है इसके लिए बिल्कुल ख्याल रखिएगा। पहले तो जो है पहले भी फ्रॉड होते थे और अब तो इतनी बढ़िया जो फोटोकॉपी मशीन्स आ गई हैं, कलर फोटोकॉपी की पता भी नहीं चलता कि ये फोटोकॉपी जो ओरिजिनल है या ये मतलब ये ओरिजिनल है या ये फोटोकॉपी है। तो इस तरह के जो है फ्रेंड्स काफी सारे दिक्कतें कि उसमें रहती हैं। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप थोड़ा सा इस इन चीजों के लिए बिल्कुल ध्यान रहें, क्योंकि कल को अगर फ्रॉड होता है तो इसमें आपके भी एक वो फंसने का खतरा रहता है। तो मेरा आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोगों को एडवाइस रहेगी, आप में से शायद ज्यादातर लोग जो है उम्र में हमसे छोटे होंगे, इसलिए हम एक पर्सनल एक उनको एडवाइस देते हैं कि इस तरह की चीजों से बच के रहिए। और हमने बैंकों में अच्छे अच्छे फ्रॉड होते देखा है, तो कल को भगवान न करे अगर आपके साथ भी कुछ होता है तो इसमें काफी दिक्कत होगी। एक दोस्तों बहुत जरूरी चीज, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर। तो दोस्तों मेरा उसके लिए रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप जो करते हैं आप ये रखिए कि आपका जो
कस्टमर जो है वो आ रहा है तो वो आपके सामने ही साइन करे, क्योंकि अगर वो आपके सामने साइन नहीं करता तो फिर जो है आपके लिए एक वो दिक्कत रहेगी। तो थोड़ा सा जो है मेरा इससे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, ये देखिए क्योंकि गांव में ये बड़ा होता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो है अगर हम वो बोलते हैं कि हम आप हमें एप्लीकेशन फॉर्म दे दीजिए और हम जो है घर से साइन करा के ला देंगे, तो उस तरह के उसमें मत रहिएगा, उनको बोलिएगा कि नहीं आप हमारे सामने ही साइन कीजिए। तो ये सारी चीज जो है इसका आप इनका बिल्कुल एक ख्याल रखिएगा। दोस्तों एक चीज और है, वो है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी ये कहती है कि मान लीजिए एक आदमी कोई एनआरआई है और वो यहाँ पर जो है किसी आदमी को अपनी पावर दे देता है जिस पर वो काम कर सकता है, या फिर जो कोई बीमार है और किसी दूसरे को अगर अलाउ कर देता है, तो ये सारी चीजें जो है ये एक्सेप्टेड है, लीगल है। पर इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें फ्रॉड होने का खतरा रहता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आप जो है इसके ऊपर कहीं फंसे नहीं। तो एक चीज दोस्तों इसके अलावा जो होती है वो है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन दोस्तों ये रहता है कि मान लीजिए मेरा एक अकाउंट है और उसमें मान लीजिए मैंने अपनी वाइफ को जैसे नॉमिनी बनाया हुआ है, तो कल को मुझे कुछ हो जाता है तो वो पैसा जो है वो मेरे नॉमिनीज को ट्रांसफर हो जाएगा, तो मेरे नॉमिनीज को जो मेरी वाइफ है उसको ट्रांसफर हो जाएगा। तो इससे जो बैंक की है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो एक अच्छा वो रहता है कि इस तरह से जो है बैंक अकाउंट में नॉमिनेशन जो है वो बहुत जरूरी है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आपके पास कस्टमर अपना अकाउंट खुलवाने के लिए आए तो साथ जो है वो नॉमिनेशन जो है वो जरूर करा के जाए। तो आजकल वैसे भी ज्यादातर बैंक जो है इस चीज पे फोकस करते हैं कि नॉमिनेशन जो है ये साथ होना चाहिए। जो इसको ब्लैक मनी और व्हाइट मनी का एक ये है, तो ब्लैक मनी और व्हाइट मनी में दोस्तों ये एक रहता है, तो उसमें ये है कि AML है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कहती है कि आप जो है ब्लैक व्हाइट को इसको करने के लिए इन चीजों से बिल्कुल दूर रहें। तो इसके लिए एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी लागू हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जो ये कहता है कि अगर कोई ब्लैक व्हाइट को करने की कोशिश करता है तो इसके लिए 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आता है जो इस तरह का अकाउंट खोलता है तो आप लोगों को वो सब एक सजा हो सकती है। तो अगर आप चाहें तो इसके लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी कस्टमर इसके लिए ठीक नहीं है, तो आप कोशिश कीजिए कि उनसे जितना दूर रह सकते हैं उतना ही दूर रहें। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसका मेजर एम ये था कि आप लोग जो है इसमें इन चीजों से दूर रहें और इन चीजों को आगे प्रमोट भी ना किया जाए। तो दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग, जैसा मैंने बोला कि पैसा आता है जो ब्लैक मनी होता है, उसके अलग अलग टुकड़े किए जाते हैं और उसके बाद जो है उसको इकट्ठा कर दिया जाता है। मान लीजिए जैसे 10 लाख रुपए आपके पास ब्लैक हैं, तो आपने 2-2 लाख के 5 टुकड़े किए, 5 अकाउंट में जमा कर दिया और उसके बाद जो है फाइनल उसको इकट्ठा कर दिया। और इससे जो होता है इसमें काफी दिक्कत रहती है और जो है इसके लिए 7 साल तक की सजा है। तो ये चीजों से थोड़ा सा जितना आप दूर रहेंगे उतना ही एक इसके लिए एक अच्छा रहेगा। अब दोस्तों लोग ये पूछेंगे कि आप जो है अगर अकाउंट बंद करना है तो या तो कस्टमर की रिक्वेस्ट पे हो सकता है, या फिर डेथ पे हो सकता है, या फिर अगर कोर्ट या इनकम टैक्स का नोटिस आए तो जो है अकाउंट बंद हो सकता है। अब दोस्तों कुछ चीजें जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, जो कि आपके डे टू डे काम में इसके लिए काम में आने वाली हैं। तो फाइनेंस एंड ऑपरेशंस, दोस्तों लोग आपके पास आएंगे, वो आपसे पूछेंगे कि इंटरेस्ट रेट कितना है। इंटरेस्ट रेट पर एनम में जनरली कोट होता है 4% पर एनम, 5% पर एनम, 7% पर एनम, बेसिकली इस तरह से जो है वो एक उसके लिए रहेगा। तो आप जो है तो इसको कर सकते हैं। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो बेसिक, इसमें दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं दोस्तों। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम बेसिकली ऐसे ही सीधे सीधे कैलकुलेट करते हैं कि अगर 1000 रुपए मैंने आपसे लिया और 10% का इंटरेस्ट था तो आप उसके लिए तो ब्याज बना 100 रुपया, तो ये रहता है। और जो है चक
कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो होता है ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम बोलते हैं, तो ये रहता है। तो ये जो हम बच्चों ने पढ़ा करते थे PRT/100, प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट है, दैट इज प्रिंसिपल रेट, और उसका टाइम पीरियड, जितने पैसे टाइम के लिए पैसा बोरो हुआ है, डिवाइडेड बाय 100, तो वहां से इंटरेस्ट का जो है परसेंटेज आ जाया करता था। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट जो है सीधा सीधा ब्याज होता है, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है वो चक्रवर्ती ब्याज होता है, जो ब्याज पे ब्याज लगता है। तो जैसे जब मैं आपसे क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा था, मैंने आपको बोला थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसमें क्या होता है कि ब्याज लगेगा, और ब्याज अगर आपने वापस नहीं दिया तो जो ब्याज होता है उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, जो कि काफी एक मुश्किल हो जाता है। तो ये दोस्तों जो है P(1+R)(n)(NT), तो ये जो है ये फॉर्मूला है, ये हम बचपन में पढ़ा करते थे, ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये कैलकुलेट किया जाता है। अब दोस्तों एक चीज जो है वो आपके पास डेफिनेटली आएगी, वो है ग्रीवेंस। ग्रीवेंस दोस्तों मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं किसी से खुश नहीं हूं, या मुझे कोई तकलीफ है, तो मैं उसके लिए किसको कंप्लेंट कर सकता हूँ? आप लोग बनेंगे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, आप जुड़ेंगे बैंक के साथ, क्योंकि आप जुड़ेंगे बैंक के साथ तो बेसिकली कस्टमर को आएगा अपनी प्रॉब्लम्स लेके। मान लीजिए उसने अकाउंट ओपन कराया और अकाउंट ओपन नहीं हुआ, उसने पासबुक अपडेट कराई और पासबुक अपडेट नहीं हुई, उसने स्टेटमेंट ली और स्टेटमेंट उसको टाइम से नहीं मिली, तो ये जो है बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम लेके कस्टमर आपके पास आया। और कस्टमर जब आपके पास आया तो आपने जो है बेसिकली जो उसकी जो है उसको एडवाइस किया कि वो कंप्लेंट कहाँ करे। तो जनरली कस्टमर जो है वो दो जगह कंप्लेंट कर सकता है, या तो अपना वो फोन बैंकिंग वगैरह के थ्रू कर सकता है, जहां पर उसे कस्टमर रेफरेंस नंबर मिलता है दोस्तों, और दूसरी चीज अगर वो चाहे तो वो कंप्लेन कर सकता है टू द ब्रांच, जो भी ब्रांच है उसमें कर सकता है, जहां पर ब्रांच मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है उसको करने के लिए। अगर ब्रांच मैनेजर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, वो उसके ऊपर जो है रीजनल मैनेजर या AGM तक जाती है, वहां पर नहीं होता तो कॉर्पोरेट ऑफिस तक जाती है। तो फ्रेंड अगर वहां पर भी सॉल्व नहीं होती तो 30 दिन के बाद जो है, 30 दिन के बाद जो है आप रिजर्व बैंक के ओम्बड्समैन को कंप्लेंट कर सकते हैं। तो रिजर्व बैंक का जो ओम्बड्समैन है ये 2006 में बनी हुई संस्था है, और ये हिंदुस्तान के जितने भी बैंक्स हैं उनकी फाइनल कंप्लेंट्स वगैरह जो है उसको सुनती है। तो अगर आप चाहें तो उसके ऊपर उनको कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों आई थिंक हमने काफी कुछ पढ़ा बैंकिंग सेक्टर के बारे में, तो अब आप आगे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट मतलब जैसे फाइनेंशियल बाजार, जैसे कि शेयर बाजार है उसमें शेयर खरीदते बेचते हैं, प्रॉपर्टी मार्केट है उसमें प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं। तो मार्केट वो जगह है जहां पर बायर और सेलर इकट्ठे रहते हैं, तो गुड सर्विसेज और इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, बेचने खरीदने के लिए। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या क्या रहते हैं आइए देखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स में खरीदे बेचे जाते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि अगर शेयर बाजार में पहले मैंने बताया शेयर सर्टिफिकेट होते थे, अगर आप इंश्योरेंस करते हैं तो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है, अगर आप म्यूचुअल फंड्स करते हैं तो म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेट है। अब ज्यादातर चीजें जो है वो आपकी अकाउंट में आती हैं, ऑनलाइन होती हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दोस्तों फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज वो लोग होते हैं जो कि बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और जैसे कि बैंक्स हो गए, आप लोग हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, तो ये सारे लोग जो हैं ये इनको हम फाइनेंशियल इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो मेरे भाइयों जो हमारे देश में जितना भी बैंकिंग सिस्टम है, जितना भी रुपया है, वो सब कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो अथॉरिटी है जो कि बैंकों को लाइसेंस देता है, जो कि बैंकों को कंट्रोल करता है। हमने पीछे देखा जैसे कुछ बैंकों में जब भी प्रॉब्लम आती है तो रिजर्व बैंक जो है उसमें इंटरफेयर करता है और जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। इसके अलावा बैंक्स के अलावा जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इनकी भी आपके साथ डीलिंग कभी ना कभी हुई होगी। होम लोन के लिए जैसे इंडिया बुल्स है या टाटा कैपिटल है, या काफी लोन्स वगैरह के लिए बजाज फाइनेंस है या इंडिया इंफोलाइन है, इनको हम दोस्तों NBFCs बोलते हैं। अब दोस्तों जो जरूरी चीज पे आते हैं जो है कि
फाइनेंशियल बैंकिंग और बैंकिंग फॉर अनबैंक, जैसा मैंने बोला कि आपके जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, जो आप लोग रहेंगे, आप लोग जो है इन लोगों को जागरूक बनाएंगे और इन लोगों को ज्ञान देंगे, जिससे कि गांव के लोग जो हैं, अर्बन पुअर जो हैं, तो ये सारे लोग जो हैं ये सर्विस को पा पाएंगे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में होता है कि फाइनेंशियल एडवाइस रहती है, क्रेडिट रहता है, बैंक अकाउंट्स रहते हैं, पेमेंट और रेमिटेंसेस रहती हैं। पर उसके बावजूद दोस्तों आप लोगों की क्या अहमियत आती है, अगर आप देखें तो 12,000 लोगों के ऊपर जो है सिर्फ एक ब्रांच है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग चाहें तो कस्टमर्स को सारी सर्विस दे सकते हैं और इसके बदले में आप लोग एक अच्छा जो है इसके लिए अर्न कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से जो है एक काफी अच्छी चीज है। तो रिजर्व बैंक ने काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं, धीरे धीरे जो है ये कोशिश करा कि ये सर्विस जो है बेसिकली रूरल एरिया में पहुंच सके। तो फाइनेंशियल एजुकेशन है, काउंसलिंग है, और ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से उम्मीद की जाती है कि वो लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखेगा और उनको जो है सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली दोस्तों, बेसिकली मैंने जैसा आपको बताया कि आप सिर्फ एजेंट नहीं रहेंगे, आप बैंक के मित्र होंगे, आप बेसिकली बैंक का एक एक्सटेंशन काउंटर चला रहे हैं, तो आप फ्रंट लॉसर गाइड हैं अपने एरिया में, और ये सारी सर्विस जो है आप उसके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो काफी अच्छा एक मॉडल है और इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है टेक्नोलॉजी का है, पर टेक्नोलॉजी से रिस्क और फ्रॉड भी होते हैं, वो जो हमने अभी डिस्कस किया था फ्रेंड्स, की रिस्क बेसिकली पॉसिबिलिटी है एक एडवर्स इवेंट हैपनिंग की, अगर जो चीज आप नहीं चाहते वो हो जाए तो वो एक रिस्क है। तो अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, जैसे आजकल ओटीपी का काफी फ्रॉड चल रहा है, तो एसएमएस आता है, ओटीपी आता है और आपको कॉल आता है कि मुझे ओटीपी बता दीजिए, और उसके ऊपर फ्रॉड होता है। तो इस तरह की चीजें जो है इसको आप ध्यान रखेंगे और अपने कस्टमर्स को भी बता के रखेंगे, ताकि कस्टमर्स को भी इनकी एक असुविधा ना हो। तो दोस्तों बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग जो है जितना अपना खुद से सावधान रहेंगे, वो सावधानी घटी है तो दुर्घटना घटी, जितना आप सावधान रहेंगे उतना ही आपका कस्टमर है वो भी इसको सावधानी से कर पाएगा। तो अगर आप चाहेंगे तो इसको एक वो रहेगा। तो दोस्तों बेसिकली अगर आप काम कर रहे हैं तो खुद आप ये रखिएगा कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, आप जो है ध्यान से काम करते हैं, तो आपके कस्टमर्स के साथ जो फ्रॉड और रिस्क होने की फैसिलिटी की प्रॉबिलिटी जो है वो कम से कम रहेगी। दोस्तों इसके बाद हम जो बैंकिंग सेक्टर को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम्स। बेसिकली जैसे मैंने बताया कि ये बेसिकली गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हैं, तो सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना जो है दोनों इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, और अटल पेंशन योजना जो है वो एक पेंशन स्कीम है, गारंटेड पेंशन स्कीम है। मेरी फेवरेट स्कीम में से एक है और मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में हर आदमी पास होनी चाहिए ये। दोस्तों अगर आप बेच सकते हैं और अगर आप चाहेंगे तो आपको इसमें एक अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा, एक अच्छी कमीशन भी मिलेगी। तो जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, जो नया मॉडल आया है ये है प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कहता है कि सब आदमी के पास सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रेमिटेंसेस, क्रेडिट, इंश्योरेंस और पेंशन स्कीम, हर एक की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो हर आदमी को बैंकिंग सर्विसेज मिलनी चाहिए, हर आदमी को माइक्रो इंश्योरेंस मिलनी चाहिए, हर आदमी को पेंशन मिलनी चाहिए। तो बेसिकली सरकार का मकसद ये है कि इसमें सारे हाउसहोल्ड कवर हों, सारे रूरल एरिया और अर्बन एरियाज कवर्ड हों। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो आपका जो अकाउंट खुलता है, जो जनधन अकाउंट जिसे हम पॉपुलरली नोन जानते हैं, बैंकिंग भाषा में जिसे बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट या BSBDA बोला जाता है, तो इसमें जो है एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर रहता है 2 लाख का, कोई मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं है, और एक लाइफ इंश्योरेंस कवर भी होता है 30,000 का। साथ जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के लिए भी ये अकाउंट फैसिलिटेट करता है, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी रहती है। तो ये काफी अच्छा अकाउंट है और हमने देखा है कि पीछे काफी सारे जनधन अकाउंट खुले हैं। तो इनफैक्ट इंडिया ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कि जितने जनधन अकाउंट हमारे यहाँ खुले हैं उतने धरती पे किसी भी देश में इतने कम टाइम में नहीं खुले। तो अगर आप ये खुलने में हेल्प करते हैं तो आपको कमीशन भी मिलेगी, एक तो समाज सेवा, उसके बाद
आपको साथ साथ जो है एक बेनिफिट भी मिलेगा। ये दोस्तों देखिए, जैसे एक बीसी का एक मॉडल है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का एक जो सीएसपी काउंटर का है, तो देखिए ये क्या क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं, सब चीज, अकाउंट ओपनिंग, कैश डिपॉजिट, विड्रॉल, एफडी, तो ये काफी सारी चीजें हैं जो कि बिजनेस परस्पोंडेंट देते हैं। और जैसे मैंने बोला, इनको बैंक मित्र बोला जाता है। एक दोस्तों इंश्योरेंस स्कीम्स की जब हम बात करते हैं, तो दो स्कीम्स हैं, जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना दोस्तों 2 लाख की इंश्योरेंस है, 330 रुपए के सालाना प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम पे। और सुरक्षा बीमा योजना 2 लाख की एक्सीडेंटल कवर है, 12 रुपए के प्रीमियम, यानी कि 1 रुपए पर मंथ का प्रीमियम आप मान के चलें, 12 रुपए साल का प्रीमियम है उस पे है। दोनों इंश्योरेंस स्कीम है, तो दोनों में फर्क क्या है? सुरक्षा बीमा योजना में प्रीमियम 12 रुपए है और जो कवर है सिर्फ एक्सीडेंट का है। जीवन ज्योति बीमा योजना में टर्म इंश्योरेंस का कवर है और 330 रुपए का प्रीमियम है, 2 लाख रुपए है दोनों में अमाउंट कवर्ड। तो ये दोस्तों बेसिकली, अगर आप, जैसे मैंने बोला कि अगर आप बीसी बनते हैं या एनएसडीएल के साथ जुड़ते हैं, जैसे मैंने काफी लोगों को अटल पेंशन योजना में भी अच्छा कमीशन कमाते हुए देखा है, तो मेरी फेवरेट स्कीम में से एक, 18 से 40 साल का जो है कोई भी नागरिक ले सकता है, बट उसका टारगेट है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ सोसाइटी है, जैसे कि रिक्शा वाले हो गए, रेड़ी वाले हो गए, मजदूर हो गए, घर में काम करने वाली बाई हो गई, तो इस तरह के लोग जो है बेसिकली इसके लिए जो है, मतलब एलिजिबल तो कोई भी है, बट ये इसका टारगेट है। अभी तक 2.5 करोड़ लोग जो है स्कीम के साथ जुड़ चुके हैं, और गवर्नमेंट का एम है कि आगे जो है मैक्सिमम जो इंडिया में लोग हैं इनको इस स्कीम में जोड़ा जाए। तो इसमें जो है कस्टमर चूज कर लेता है कि मुझे कितने की पेंशन चाहिए 60 साल के बाद, और उसके हिसाब से कंट्रीब्यूट करता जाता है। तो जैसे ये चार्ट है, ये दोस्तों आपको पीएफआरडीए की या एनएसडीएल की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो इसमें है, मान लीजिए एक 18 साल का लड़का जो है वो इस स्कीम को ज्वाइन करना चाहता है, तो उसको 42 साल तक 210 रुपया पर मंथ का प्रीमियम देना पड़ेगा। तो 210 210 रुपया प्रीमियम देता जाएगा, तो जब वो 60 साल का होगा तो फिर जो है उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। गारंटीड पेंशन है 5,000 रुपए की, जब तक वो जिएगा उसको 5,000 रुपए की पेंशन, जब वो नहीं रहा तो उसकी बीवी को 5,000 रुपए की पेंशन, जब वो भी नहीं रही तो जितना पैसा इकट्ठा हुआ होगा जो कॉर्पस हम जिसे बोलते हैं, वो सारा पैसा दोस्तों जो है उनके बच्चों के पास चला जाएगा, जो कि आज की डेट के हिसाब से 8.5 लाख रुपया बनता है। तो दोस्तों बड़ी अच्छी सी स्कीम है, मतलब मेरे हिसाब से ये कि हर आदमी को के पास जो है, और खासकर जो अनऑर्गेनाइज लेबर में है, तो हर आदमी के पास ये स्कीम होनी चाहिए। अगर आप इसे बेचते हैं तो आपको इसमें कमीशन मिलती है। तो दोस्तों आइए कुछ छोटे मोटे और मॉडल्स डिस्कस करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का मॉडल अभी हमने देखा था, इसी तरह से जैसे मैंने बोला था कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक भी इसमें आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक जो है वो भी काफी एग्रेसिवली इस फील्ड में आ रहा है, वो भी अपने कॉमन सर्विसेज सेंटर बनाने चाह रहा है। दोस्तों इसके अलावा जो है, जैसे मैंने बोला, ये जो मॉडल है ये बेस्ड है आपका टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी में होती है आपकी जो पीछे जो यूपीआई के साथ, यूपीआई है या ईपीएस है या आईपीएस है, इनके साथ इंटीग्रेशन जो है, ये जो है टेक्नोलॉजी काफी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसमें जो है जैसे इको इंडिया फाइनेंशियल है, काफी एक काफी अच्छी टेक्नोलॉजी देती है। तो दोस्तों यदि आप एनएसडीएल के साथ जुड़ते हैं तो आपको काफी सारी जो है उसमें ट्रेनिंग भी मिलती रहेंगी, तो कस्टमर और कस्टमर सर्विस के ऊपर जो है वो भी आपको काफी सारी ट्रेनिंग मिलेगी। तो कस्टमर का बेसिकली, ग्राहक जो है हमारा भगवान है, हमारा देवता है। ग्राहक है तो हम है, ग्राहक नहीं है तो हम ही नहीं है। तो दोस्तों ये जो है ग्राहक के लिए जो है, कस्टमर सर्विस के लिए कोशिश कीजिए कि जितनी आप मैक्सिमम जो है उसको अच्छी सर्विस दे पाते हैं, तभी वापस आएगा, और वापस आएगा तो आगे वो वर्ड ऑफ माउथ से आगे भी फैलाएगा। जितना आपने नाम फैलाएगा उतना आपका नाम होगा, उतने और लोग आएंगे, और उतना आप ज्यादा से ज्यादा जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, है ना दोस्तों। तो आप बेसिकली एक ब्रांड बन जाएंगे। तो दोस्तों इसके बाद स्टडी करते हैं पेमेंट बैंक ऑपरेशंस। जैसे मैंने बताया था एनएसडीएल के पास पेमेंट बैंक का लाइसेंस है, तो पेमेंट बैंक का जो ऑपरेशंस है आइए उसको स्टडी करते हैं।
जो पेमेंट बैंक है जैसे कि एनएसडीएल है या दूसरे मार्केट में पेटीएम या एयरटेल है, तो ये लोग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर मोड में काफी जा रहे हैं। तो ये प्रेफरेंस किसको दी जाएगी अगर आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस फैसिलिटेटर बनना चाहते हैं? तो अगर आपके पास आप एग्जिस्टिंग मनी ट्रांसफर एजेंट्स हैं या आपके पास किराना शॉप है या मेडिकल शॉप है या इस तरह का है तो आप लोग इनके साथ जुड़ सकते हैं। आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए क्योंकि जो मशीनें काम करती हैं मेनली इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज पे करती हैं, और जितना आप लोकल लैंग्वेज जाएंगे तो गांव गांव में आप लोग उतना ही उसके लिए कर पाएंगे। आप किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए नहीं होने चाहिए और कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो आप लोग जो है एनएसडीएल के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें एनएसडीएल आपको सारी कनेक्टिविटी देगा और सारी आपको फैसिलिटीज देगा। आप लोगों को है मेनली कस्टमर्स को सर्विस देनी है और आपका पॉइंट होंगे कस्टमर के साथ जुड़ने का। तो दोस्तों ये तो थी सारी चीजें पेमेंट बैंक के बारे में। अब थोड़ा सा स्टडी करते हैं मनी ट्रांसफर के बारे में। एक चीज जिससे ज्यादातर बीसीज खूब पैसा कमाते हैं, तो इसमें से कुछ चीजें एनएसडीएल अभी ऑफर कर रहा है और कुछ चीजें जो है वो फ्यूचर में ऑफर करेगा। तो मनी ट्रांसफर में दोस्तों कैसा रहता है? तो मनी ट्रांसफर में दोस्तों ये रहता है कि आपका जो है जो रेमिटर है, मान लीजिए आपने पैसा ट्रांसफर करना है, मान लीजिए मैं दिल्ली में बैठा हूँ और मैंने पैसा ट्रांसफर करना है बिहार में, तो मैं वन टाइम जो है वो जाके एक रजिस्ट्रेशन कर लूंगा बीसी के पास। तो मैं अपने ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करूंगा और एक बार जो है मैं उसमें आके रजिस्ट्रेशन अपना उसके लिए कर लूंगा। उसके बाद मान लीजिए मैंने पैसा ट्रांसफर करना है, मान लीजिए मेरा भाई है बिहार में, तो मैंने उसको जो है उसकी डिटेल्स जो है और उसका वो अपना बैंक अकाउंट नंबर और उसकी जो आईएफएससी कोड, उसका अकाउंट नंबर, ये सारी चीजें जो है ये बीसी को दे दी, आपको दे दी। आपने जब सिस्टम में डाला तो एक ओटीपी आएगा मेरे नंबर पे, तो वो ओटीपी नंबर डालेंगे तो वो वैलिडेट हो जाएगा बेनिफिशियरी। उसके बाद एक डमी ट्रांजेक्शन करेंगे 4 रुपए की, तो वो डमी ट्रांजेक्शन अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर हम जो है ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर देंगे थ्रू आईएमपीएस या एनईएफटी। अगर वो आईएमपीएस या एनईएफटी के थ्रू जो है ट्रांजेक्शन जो कर देंगे, तो इस तरीके से दोस्तों जब है अगर हम पे करते हैं तो फाइनली जो है अगर बेनिफिशियरी को वो पैसा मिल जाएगा किसी वजह से, किसी भी वजह से, मान ली किसी वजह से कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई या कोई भी चीज थी जो नहीं हुई, तो उसके वजह से जो है अगर वो होगा तो पैसा जो है वो वापस आ जाएगा। अगर मान ली फेल होता है तो अगर ट्रांसफर हो गया फिर तो ट्रांसफर हो ही जाएगा। तो इसमें जो है बीसी होता है उसको 1% ऑफ चार्ज मिलता है। तो बेसिकली ये आपकी कमीशन में जुड़ता है। इसमें मिनिमम जो है अमाउंट 100 रुपये ट्रांसफर हो सकता है और मैक्सिमम जो है 5,000 रुपये ट्रांसफर हो सकता है। और जो बेनिफिशियरी है उसके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। रेमिटर तो है, जो मैंने ट्रांसफर किया है तो मेरा तो एक बार रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपके साथ। तो 5,000 रुपये मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है। तो महीने में 25,000 रुपये मैं जो है एक उसके थ्रू ट्रांसफर कर सकता हूँ। इसी तरह से दोस्तों एक जो दूसरी चीज है वो है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ये कहता है कि मान लीजिए मुझे कोई कैश विड्रॉल चाहिए, तो मैं आपके पास आया, आप बीसी हैं, मैं आपके पास आया, मैंने उंगली लगाई, अपना आधार नंबर दिया, तो जो मेरे आधार के साथ जुड़े हुए अकाउंट हैं उनकी डिटेल आ जाएगी और उसमें से मैं जिस अकाउंट से चाहूंगा उसमें से मैं पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ, आप पैसा निकाल सकता हूँ, कैश विड्रॉल कर सकता हूँ। तो आप मुझे जो है वो कैश दे देंगे और वो मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। इसके बदले में जो है आपको एक कमीशन मिलती है। इसी तरह से मिनी स्टेटमेंट भी इसके लिए निकाली जा सकती है और बैलेंस इंक्वायरी भी हो सकती है। पहले कैश डिपॉजिट भी होता था बट आजकल जो है उसको अभी कैश डिपॉजिट जो है इस मोड से बंद किया हुआ है। अभी जो है विड्रॉल, बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट ही इसके लिए करा जाता है। आप इसके लिए कस्टमर को चार्ज नहीं करेंगे बट आपको जो है बैंक से जो है इसको ट्रांजेक्शन को करने के लिए एक कमीशन मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों एक और चीज है जिसे हम कहते हैं माइक्रो एटीएम डिवाइस, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है, गांव गांव में बहुत बीसी इसको यूज करते हैं। तो एक एटीएम डिवाइस होती है जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन पे चलती है और एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस होती है। तो मैं अपना कार्ड, जिसमें मेरे पास कार्ड और पिन है, मैं आपके पास आया अपना कार्ड और पिन लेके, मैंने अपना कार्ड दिया, आपने मशीन पे लगाया, मशीन उसकी डिटेल कैप्चर करती है, मैंने पिन नंबर डाला और इसके बाद जो है मैं अपना कैश विड्रॉल कर सकता हूँ। इसके लिए भी अगेन आप मुझे चार्ज नहीं करते, इसके लिए बैंक के थ्रू जो है आपको जो कमीशन मिलती है। तो दोस्तों अगर आप एक टेंटेटिव अर्निंग देखते हैं एक आदमी की, तो
तो मोटा मोटा आप मान के चलिए, एक ये चार्ट देख के चले तो मोटा मोटा जो है 7-1 हजार रुपये है आप महीने का इसके थ्रू ही कर सकते हैं। तो अब आप सोच के देखिए एक अच्छा सा मॉडल, क्योंकि तो आप अटल पेंशन योजना बेचते हैं उस पर आपको कमीशन मिलेगा, मनी ट्रांसफर करते हैं उस पर कमीशन मिलेगा, सेविंग अकाउंट करते हैं उस पर कमीशन मिलेगा, और सब कुछ जो है मोटा मोटा एक जो है एक डिसेंट अमाउंट जो है आप इसमें कमा सकते हैं। मैंने गाँव वगैरह में लोगों को अच्छे अच्छे अमाउंट जो है 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार कमाते देखा है महीने का, तो एक अच्छा चीज है दोस्तों। अगर आप इसके लिए जुड़ना चाहें मॉडल के लिए, मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको देखिएगा, क्योंकि एक नया मॉडल है और आगे जो है धीरे धीरे काफी पॉपुलर हो रहा है। तो आपको लिए चाहिए होगा आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपकी शॉप का एड्रेस और एक एजेंट ऑनबोर्डिंग फॉर्म, एक फॉर्म है जो कि आपको भरना होगा। तो मेरे दोस्तों ये जो है अगर आप इनको लेके करते हैं, और अभी जो है एनएसडीएल के कोई ज्वाइनिंग चार्जेस नहीं है, तो अगर आप इसको लेके करते हैं तो मेरे हिसाब से जो है एक अच्छा वो मॉडल है। अगर आप इसको चाहें तो इसमें साथ जुड़ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से जो है आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, आपके लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए काफी इसके लिए फायदेमंद होगा। तो मेरे दोस्तों ये था आज का सेशन, तो बहुत सारा धन्यवाद, आप इतनी देर हमारे साथ जुड़े रहे। तो आज के लिए हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आपकी कुछ भी और क्वेरीज रहेंगी तो एनएसडीएल के आरएम बड़े खुश होंगे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए और आपको अपने साथ जोड़ने। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत सारा धन्यवाद।